नमस्कार दोस्तों पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात के बारे में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले पांच साल में पांच गुना से भी ज्यादा वृद्धि कर चुका है अगर आप वॉल्यूम को देखें तो 2016-17 में भारत ने 1500 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था दो में यह आंकड़ा साढ़े आठ हजार करोड़ के आसपास पहुंच चुका है इनफैक्ट पैंडेमिक तो को क्रॉस कर गया था लेकिन पैंडेमिक के बाद इसमें थोड़ी सी अभी कमी आई है गवर्नमेंट का फिलहाल टारगेट है कि 2025 तक इसे 35000 करोड़ तक ले जाना विच इज फाइव बिलियन डॉलर तो भारत पांच बिलियन डॉलर के रक्षा संबंधित निर्यात करना चाहता है सन दो में दो दिन पहले द हिंदू अखबार में इस पर एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया था अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आई होप आपने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आज इस लेक्चर को जरूर देखिए और ध्यान से देखिएगा अगर आपको इसका पी डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जिससे कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे जो मेरे द्वारा ली जा रही है पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए वहां पर हमारे सारे लेक्चर्स के अपडेट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऐप पर आपको मेरे स्पेशल क्लासे तो स्पेशल क्लासेस मिलेंगे आर फ्री फॉर तो क्लास में अभी मैं पॉलिटी की पॉलिटिकी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहा हूं डू ज्वाइन मी फॉर दैट सीरीज ऑन मंडे ऑनवर्ड्स रविवार को मेगा कॉम्बैट है जिसमें आप ना केवल स्कॉलरशिप जीत सकते हैं बल्कि बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस जैसे कि लैपटॉप आईपैड एक्सेट्रा जीतने का इसको ज्वाइन करने के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अनलॉक कोड आपको यहां पर नजर आएगा अब इंट्रोडक्शन देखकर शायद आपको लगा होगा कि भारत में आज से पांच दस साल पहले तक कुछ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट नहीं होता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारत में आज़ादी के बाद से ही रक्षा संबंधित मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा ट्रेडिशन रहा है वी हैड एटीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इनमें काफी सारा साजो सामान बनता था अंग्रेजों के समय से ही तो वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान था ध्यान रखिएगा ये ऑर्डिनेंस है अगर यहाँ पर मैं एक आई लगा देता हूँ तो वो ऑर्डिनेंस पॉलिटी वाला हो जाता है अध्यादेश तो दोनों में फर्क है स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यूपीएससी मेंस में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने चार और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई 1962 तक तो टोटल 22 हो गई और 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद में उन्नीस और फैक्ट्रीज बनाई गई टोटल फोर्टी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बन चुकी थी जिन्हें अभी कुछ महीने पहले ही रीस्ट्रक्चर किया गया है और छह अलग अलग कंपनीज में डिफेंस कंपनीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है तो इन फैक्ट्रीज़ के अलावा भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के अलावा भी बहुत सारे इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स थे जो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करते थे इनमें सबसे प्रमुख है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जिसको बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम उसका चेंज कर दिया गया एच ए एल आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा एच ए एल नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसका नाम किया गया फिर नेवल डॉकयार्ड जो अठारह सो सत्रह से काम कर रहा है और अभी मुंबई में है उसके अलावा भी कोलकाता में भी कुछ डॉकयार्ड हैं अगर आप मुझे कोलकाता वाले डॉकयार्ड का नाम बता सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वो मैंने जान पूछ के इस लेक्चर में नहीं डाला है आई वॉन्ट यू टू आंसर तो भारत सरकार ने आजादी के बाद कई डिफेंस पी की स्थापना तो करी और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती थी जो हमारी खुद की आर्मी के लिए भी काम आता था थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट भी करते थे लेकिन समस्या ये थी कि हमारे डिफेंस पी एस यूज ऑर्डिनेस फैक्ट्रीज बिल्कुल भी मॉडर्नाइज नहीं कर पाए तो ये अभी भी उसी समय की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे थे जो फिफ्टीज सिक्सटीज़ या वर्ल्ड वॉर टू के समय में आवश्यक थी और नई टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करना इनके बस की बात नहीं थी एंड दैट वॉज बिकॉज दे डिड नॉट मॉडर्नाइज एंड एक्सपांड तो मॉडर्नाइजेशन हुआ लेकिन बहुत ही स्लो था और जिस प्रकार से दुनिया ने तरक्की करी उस प्रकार से हम तेज़ी से तरक्की नहीं कर पाए तो धीरे धीरे भारत में रक्षा उपकरणों का उत्पादन इतना पिछड़ गया कि हमें ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदनी पड़ी ज्यादातर उपकरण हम पश्चिमी देशों से खरीदने लगे सोवियत यूनियन रशिया से खरीदने लगे और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बन गया इंपोर्टर तो हम दूसरों से खरीदकर इंपोर्ट करते थे एंड वी वेर मोस्टली द सेकेंड और द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द एंटायर वर्ल्ड अब ऐसा नहीं है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी थी जी नहीं भारत में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था लेकिन दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री अगर घरेलू डिमांड्स को सप्लाई करेगी तो वो बढ़ नहीं सकती तो हमारे यहां की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो केवल हमारे देश की आर्मी के लिए कर काम कर रही थी या फिर कुछ छोटे मोटे देश जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको कुछ एक्सपोर्ट करना था तो उसके लिए काम किया जा रहा था भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के पिछड़ने के कई कारणों में से एक ये भी था कि प्राइवेट इंडस्ट्री को यहां पर बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया गया भारत की गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी थी कि डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन सरकार या उसके पीएस यूज उस करेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल था कंडीशंस बहुत टफ थी स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी परमिशन मिलती ही नहीं थी तो ऐसे में हमारी आर्म्स इंडस्ट्री हथियार बनाने की इंडस्ट्री काफी खराब हो गई अगर आप वैसे देखेंगे तो भारत के अंदर आपने शायद ही कोई गन ब्रांड का नाम सुना होगा कि बंदूक बनाने वाली ये बहुत फेमस कंपनी है तो वी डिड नॉट हैव एन आर्म्स इंडस्ट्री उसका एक ये भी रीजन है कि हमारे यहाँ पर हथियारों का लाइसेंस इतना आसानी से नहीं दिया जाता है जैसे यूएसए यूएसए में कोई भी बंदूक खरीद सकता है कोई रोक टोक नहीं है एनीबडी कैन गो एंड बाय अ गन तो वहां पर बहुत सारी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंपनीज भी काम करती हैं दूसरा ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से थी कि हम दुनिया को संदेश दे रहे थे शांति का नॉन अलाइन मूवमेंट का यूएसएसआर और यूएसए को हम ज्ञान देते थे कि आप अपने हथियार कम करो न्यूक्लियर हथियार कम करो और हथियारों से दुनिया को खतरा है तो ऐसे में हम हथियारों को निर्यात करते हुए नहीं देखे जाना चाहते थे वी डिड नॉट वॉन्ट टू बी सीन एज एन एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स और दूसरी तरफ हम बात करें शांति की तो भारत एक पैसिफिस्ट देश था पैसिफिस्ट उसे कहते हैं जो शांति चाहता है पैसिफिज्म एक फिलोसॉफी है जो कहती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए देर शुड बी कंप्लीट पीस तो भारत कल्चरली गांधी जी का देश शांति प्रिय देश इस प्रकार की इमेज थी भारत की तो हम कभी भी मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर नहीं बन पाए थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर देते थे पड़ोसी देश हैं फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको कुछ बंदूक हथियार वगैरह सप्लाई कर दिए लेकिन ये इतना कोई मेजर एक्सपोर्ट नहीं था बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे पास नहीं आते थे तो ये जो एक्सपोर्ट्स थे वो एक तो बहुत कम और दूसरा जो टेक्नोलॉजी थी इनमें वो बहुत ही पुरानी तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं था दो हजार में भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस इंडस्ट्री का वो 113 मिलियन so डॉलर में में एक रीजन मेन यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार एनडीए गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेसिफिक पुश किया कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो धीरे धीरे भारत एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी ऊपर आता गया 2020 का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इंडिया एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में ट्वेंटी थर्ड पर पहुंच चुका था पहले इंडिया इस लिस्ट में कहीं आता ही नहीं था और इंपोर्टर में अभी भी हम सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर थे लेकिन अब हम एक्सपोर्टर की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं तो अब इस लिस्ट में भी भारत की रैंक धीरे धीरे ऊपर जाएगी निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने किस प्रकार से बदलाव किए तो सबसे पहला था सिंप्लीफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं कानून होते हैं उनको थोड़ा सिंपल बनाया गया ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री भी यहां पर एंटर कर सके पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं मिलता था अब वो थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते थे अगर आप कुछ बना भी रहे हो तो आप उसको केवल भारत में बेच सकते थे विदेशों में बेचने के लिए सरकार के की अनुमति की जरूरत होती थी उन नियमों में थोड़ी शिथिलता दी गई है उनमें ढील दी गई है तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी चेंजेस किए गए रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों तक बेचने के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्रेडिट लाइन्स यानी कि लोन भी दिया तो लाइन ऑफ क्रेडिट कई देशों को हमने दिया है वियतनाम हो मंगोलिया हो कई सारे देशों को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है ताकि वो हमारे देश से हथियारों को या डिफेंस उपकरणों को खरीद सकें तो ये स्पेसिफिकली लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस के रिलेटेड ही दी जाती है और उसमें कंडीशंस होती हैं कि आप ये पैसा केवल भारत से साजो सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो इसमें अब एक एक्टिव रोल प्ले करता है पहले विदेश मंत्रालय इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होता था डिफेंस वाले फील्ड में दैट वाज द जॉब ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिफेंस अटैशेस कई जगह तैनात किए गए हैं डिफेंस अटैशेज का क्या काम होता है कि भारत के दूतावास में एक स्पेसिफिक ऑफिसर है जो इसी के लिए डील करेगा हिज और हर ड्यूटीज वुड बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिफेंस एंड अदर प्रोक्योरमेंट्स एटसेट्रा तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को काफी बढ़ावा देते हैं भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी रिलीज करी है 2020 में एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लेना डिफेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के और विदेश के कई सारे हथियार निर्माता कंपनीज आते हैं अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं एक और आप लोगों के लिए सवाल है मुझे बताइए कि डिफेंस एक्सपो दो में कहा हुआ था किस शहर में आयोजित किया गया था निर्यात बढ़ाने के साथ साथ भारत सरकार ने देश में लोकल इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दो लिस्ट जारी करी लिस्ट में 209 ऐसे उपकरण हैं जो अब कंपलसरीली आर्मी को भारत से खरीदने होंगे इनका निर्यात नहीं किया जा सकता एम सॉरी आयात नहीं किया जा सकता तो ये 209 आइटम्स ऐसे हैं जो अब आप विदेशों से नहीं खरीद सकते इनको आपको भारत से ही खरीदना पड़ेगा ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो अपने आप इनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा इन उपकरणों की खरीद के लिए भारत के रक्षा बजट में से कुछ पैसा अलग भी रखा गया है रिजर्व रखा गया है इन आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए साल 2021 22 के रक्षा बजट में 63% परसेंट कैपिटल आउटले या सत्तर हजार करोड़ रुपए देश में बने रक्षा उपकरणों की खरीद पर लगाए जाएंगे तो ये डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है जहाँ तक निर्यात का सवाल है तो भारत में कुछ स्पेसिफिक पीएस यूज हैं कुछ कंपनीज हैं जो निर्यात पर बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल तो दुनिया की जो टॉप डिफेंस कंपनीज हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा तो सिप्री की जो दो की लिस्ट है टॉप हंड्रेड डिफेंस कंपनीज की उसमें तीन भारतीय कंपनियां शामिल थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच ए फैक्ट्री बोर्ड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनका टोटल एग्रीगेटेड आर्म सेल 6.5 बिलियन डॉलर का था जो 2019 के कंपैरिजन में लगभग दो प्रतिशत ज्यादा है और इनकी टोटल सेल दुनिया की टॉप हंड्रेड कंपनीज का 1.2 है इसे भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा यानी कि टॉप हंड्रेड में तीन कंपनीज हमारी हैं लेकिन परसेंटेज वाइज इट वॉज वन पॉइंट सिपरी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के रक्षा आयात में यानी कि इम्पोर्ट में गिरावट हुई है अगर आप 2011 से 2015 के पांच साल और 2016 से 20 के पांच साल के पीरियड को देखेंगे तो इन पांच सालों के मुकाबले इन पांच सालों में रक्षा आयात कम हुआ है सो वी आर इंपोर्टिंग लेस एंड वी आर एक्सपोर्टिंग मोर अब मैं पिछले कई मिनट से एक्सपोर्ट की बात तो कर रहा हूं लेकिन आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम निर्यात करते क्या हैं वॉट एग्जैक्टली डू वी एक्सपोर्ट तो देखिए भारत अलग अलग देशों को अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट करता है मोस्टली हमारे जो कस्टमर कंट्रीज हैं दे आर फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन या साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं और इन्हें हम अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि ब्रह्मोस एक्सेट्रा देते हैं मतलब जो खरीदना चाहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हेलीकॉप्टर्स मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वॉरशिप्स पेट्रोल वेसल्स आर्टलरी गन सिस्टम टैंक रेडार मिलिट्री व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड अदर वेपन सिस्टम्स तो ऐसा नहीं है कि केवल बंदूक या गोला बारूद हम इन देशों को बेच रहे हैं बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न एडवांस सिस्टम्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हों या फिर एयरक्राफ्ट हों या फिर मिसाइल सिस्टम्स ये सब कुछ एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत कई देशों को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में भी मदद करता है कैपेसिटी एनहैंसमेंट में मदद करता है और इसमें जो एशियन कंट्रीज हैं उनको भारत काफी सपोर्ट कर रहा है तो खास करके नेवी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है वियतनाम ने भारत से काफी कुछ परचेस किया है फॉर एग्जाम्पल भारत ने सौ मिलियन डॉलर का लोन या फिर क्रेडिट लाइन वियतनाम को दिया था और इसी से ये बारह फास्ट अटैक क्राफ्ट हमसे खरीद रहे हैं जो नेवी के काम में आएंगे और 500 मिलियन डॉलर की एक और सेकेंड लाइन ऑफ क्रेडिट की बातचीत अभी चल रही है वियतनाम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ए में इंटरेस्टेड है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स में इंटरेस्टेड है इन डी आर डी ओ एच एल और बी ई एल इनके पास कई प्रकार के सिस्टम्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है एच ए एल अपने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके पास टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन कैपेसिटी है तेजस एल जो भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है उसको भी हम बेच सकते हैं और उसके लिए डील भी चल रही है बात भी चल रही है कई देशों से खास करके मलेशिया जैसे देश कल ही इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था अनरुद्ध सर ने तो टर्की का हुजेट और इंडिया का तेजस अभी ये कंपटीशन में है मलेशिया की सरकार देखते हैं किसे सिलेक्ट करती है भारत का सबसे एडवांस्ड एक्सपोर्ट होगा ब्रह्मोस मिसाइल जिसे भारत रशिया ने मिलकर डेवलप किया था तो वियतनाम और अन्य कुछ देश हैं जो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं वियतनाम के साथ तो काफी एडवांस टॉक्स चल रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए तो ये थी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की कहानी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक like जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनकैडमी पर लाइव पढ़ाई कर सकते हैं यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेज ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया यहां पर प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ अवेलेबल हैं कुछ ही दिन में सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं साल के अंत में प्राइसिस बढ़ते हैं तो इस प्राइस हाइक से बचने के लिए आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और अभी आपको थ्री मंथ्स एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिलेगी तो आपको बारह महीने की जगह पंद्रह महीने की वैलिडिटी अपने सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी मेरा इस वक्त कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी का ऑन गोइंग एन कोर्स है और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का अपकमिंग कोर्स है ट्वेंटी नाइन डिसंबर से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे हर बुधवार को नए बैचेस स्टार्ट होते हैं यूपीएससी सीएससी के तो इनको आप ज्वाइन करिए जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये सभी कोर्सेज हमारे ई पर अवेलेबल हैं यू कैन टेक दम ऑन ई डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है गूगल फॉर्म का उस पर क्लिक करके डिटेल जानकारी मिल जाएगी फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बढ़ाइए आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड गाइडेंस अवेलेबल करवाई जाएगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अ ग्रेट डे